students, welcome you all in your subject science. Today we are going to start a new chapter, the world in my home. Yes, world matlab duniya, barabar, in my home, mere ghar mein puri duniya. Chalo dekhte hain, hai na? Abhi to hamare ghar pe hi sab kuch hai, school bhi ghar pe, barabar, ट्यूशन कुछ भी प्ले करो, कुछ भी जो भी है, अभी सब कुछ सबने देख लिया है. ये जो हमारा लास्ट ईयर ऐसे गया है, ओके, कोविड 19 की वजह से सब लोग घर पे ही हैं. टग ऑफ वॉर, यस, टग ऑफ वॉर किसे कहते हैं पता है? रस्साकसी, मतलब दो लोग एक दूसरे के आमने सामने हो जाए. वो एक गेम नहीं होता है जिसमें हम वो रॉप लेके एक दूसरे को खींचते हैं, वैसे ही. मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ों पे हम आर्ग्यू करते हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, कोई बोलते हैं कि नहीं ये होना चाहिए. चलो, वंस अगेन एवरीबडी इन ममताज फैमिली इज क्वारलिंग, ओके, ओवर वॉचिंग द टीवी, जस्ट लाइक दे डू एवरी डे दे विच प्रोग्राम टू वॉच. देखो, ममता के घर में फिर से झगड़ा चालू हो गया. कोई बोलेगा ये देखना है, कोई बोले ये देखना है. मोस्ट ऑफ सबके घर पे ये होता है ना, टीवी प्रोग्राम देखते समय, ओके, किसी को न्यूज़ देखने होते हैं, किसी को पिक्चर्स देखने होते हैं, बच्चों को कार्टून्स देखने होते हैं, मम्मी की सीरियल्स, वो सब, राइट? सो ममताज ब्रदर वांट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच, व्हाइल लिटिल सेजल इज एगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. देखो, ममता के भाई को क्रिकेट देखना है, सेजल को बहुत इंतज़ार रहती है कि उसका जो फेवरेट प्रोग्राम है सिंगिंग का, वो देखना है उसे. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट. देखो, मम्मी और आंटी दोनों मतलब अच्छे फ्रेंड हैं, पर दोनों के फेवरेट प्रोग्राम है ना, वो अलग अलग हैं, ओके. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ व्हाइल आंटी एन्जॉयज टीवी सीरियल, बराबर. आंटी को टीवी सीरियल पसंद है तो मम्मी को न्यूज़ पसंद है. ममता वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून एंड डैडी एन्जॉय द फुटबॉल मैच. देखो, इतने सारे लोग, इतने सारे चॉइसेस, और टीवी घर पे तो एक ही होता है ना, पर्सनली सबके एक एक दो दो थोड़ी होते हैं. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग, बराबर. उनके पापा को फुटबॉल पसंद है और वो बोलते कि वो सिर्फ रात शाम को ही टीवी देख पाते हैं. सो फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. तो इसलिए किसका चलेगा? पापा ने बोला कि भाई हम तो सिर्फ शाम को ही देख पाते हैं, आप लोग तो पूरे दिन घर पे होते हैं. ऐसे बोल के उन्होंने ऐसे बोल दिया कि तो मुझे मतलब टीवी देखने का अभी टाइम मिलता है तो मुझे देखना चाहिए. तो सब लोग अभी सिर्फ चालू है और सबको ये देखना पड़ रहा है फुटबॉल मैच, ओके. इन योर होम चंद्रबीज, ओके, इन योर होम टू Do people argue over fans, TV, newspaper, chairs or anything else? होता है ना आपके घर पे? देखो, किसी को कभी हम कहीं बैठे हैं तो कोई बोले कि यहाँ पे चेयर रखो, कोई बोले यहाँ बैठो, कोई बोलते कि टीवी फैन ज़्यादा फास्ट करो, कोई बोलते कि नहीं नहीं स्लो रखो. ऐसी चीज़ों में आर्ग्यू होते हैं ना सबके घर पे. आपके घर पे होते हैं? यस, होते हैं ना. चलो, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों में, किसी को न्यूज़पेपर अभी पढ़ना है, कोई बोलते कि नहीं पहले मुझे देखने दो, ऐसे भी होता है. सो इन योर होम हु सेटल सच आर्ग्यूमेंट्स, तो आपके घर में ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो कौन सेटल करते हैं? मोस्ट ऑफ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर वो है तो वो ये सब चीज़ें अच्छे से सेटल कर देते हैं, बराबर. कि वो है ना, सबको धीरे से समझा देते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आप अभी ये प्रोग्राम देखो, बाद में थोड़ी देर के बाद इनको देखने देना, ओके, न्यूज़पेपर अभी इनको पढ़ने दो, फिर इनको बाहर जाना है, फिर आप आराम से पढ़ना. तो ऐसे मतलब बोल के ही समझा के वो सबको, मतलब ऐसी जो आर्ग्यूमेंट्स होती है तो उसमें कोई रिजल्ट तो आना चाहिए ना, कोई सॉल्यूशन तो चाहिए, तो वो सेटल कर देते हैं, राइट. So talk about an interesting incident at home when there was arguments over such things. बराबर.
तो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही मतलब ऐसे डिस्कस करो कि कभी कभी आपके घर में क्या होता है। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करते हैं ना, क्या तो है ना हमारे घर में भाई से मेरा ये इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया कि नहीं यार तो मुझे वो देखना था पर भाई मान नहीं रहे थे। कोई बोले कि नहीं आज मेरी बहन के साथ ये हो गया, राइट? तो कोई अपने ब्रदर के साथ, कोई सिस्टर के साथ, कोई अपनी मम्मी के साथ। मम्मी बोलते कि चलो आप ये आज आपको ये मिल्क जो है बादाम वाला दूध पीना है, तो आप बोलोगे नहीं मम्मी चॉकलेट दूध पीना है। तो इस बातों छोटी छोटी बातों पे भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, राइट? और आप कभी कहते हैं कि मैगी पिज़्ज़ा बना दो, मम्मी बोलती नहीं वो नहीं खाना है अभी, जो बनाया है वो खा लो, राइट? ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं। तो आप ऐसे इंसिडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, ओके? हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्स वेयर, बराबर आपने ऐसे देखे है कि कोई लोग ऐसे ही चीज़ों पे मतलब कहीं बाहर पे भी ऐसे आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, होता है ना? देखो कहीं हमें कई रेलवे स्टेशन पे गए हो, और कभी पैसेंजर्स के बीच में भी होता है कि ये उनकी प्लेस है ये हमारी प्लेस है, उस बात पे कभी कभी झगड़ा हो जाता है। किसी की रिजर्व सीट होती है, कोई वहाँ पे बैठ गया हो, या तो बस में एक दूसरे को धक्का देते हैं, बराबर खुद धक्का देते फिर दूसरों को बोलते कि क्यों पीछे से पुश कर रहे हो, ऐसे का आर्ग्यूमेंट होती है ना, राइट? तो ज़्यादातर ऐसे होता है, या तो पानी भरते समय कहीं पे देखो पानी की शॉर्टेज है तो वहाँ पे भी होता है। तो ऐसे सब लोग आर्ग्यू करते रहते हैं, जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे भी सबके अलग अलग राय होती है, ओके? चलो वाई द डिफरेंस, यस ये डिफरेंस क्यों, चलो देखते हैं। इट इज 7 o'clock इन द इवनिंग, ओके? शाम के 7 बज रहे हैं। प्रतिभा इज हर्रिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। देखो प्रतिभा को अपने फ्रेंड्स के घर से अपने घर जाने की बहुत जल्दी है। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। संदीप और संजय है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉर्नर पे खेल रहे हैं। दे आर इन नो वरी हरी टू गो होम, उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, इवन इफ दे आर लेट, जबकि वो बहुत लेट हो गया है। नो बडी विल स्कॉल्ड देम, कोई उसे डांटेंगे भी नहीं, उसके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर। देखो ये तो गलत बात है ना कि उनके भैया को उनको लेट हो गया है तो उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं करेंगे, और प्रतिभा गर्ल है तो उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो प्रतिभा ने सोचा कि ये तो गलत बात है, मेरे भाई वो सब खेल रहे हैं उनको भी लेट हो गया है तो उनको कोई क्यों नहीं बोल रहे हैं। वाई शुड देयर बी वन रूल्स फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर, ओके? बट वॉट कैन शी डू? तो वो सोच रहे कि ऐसा क्यों, उनके लिए अलग रूल और उनके भाइयों के लिए अलग रूल, ओके? और वो क्या कर सकते हैं? देखो ऐसे रूल्स मोस्ट ऑफ होते हैं, कभी कभी थोड़ा ज़रूरी है कि बेटा देखो सब जो गर्ल्स हैं उनको थोड़ा केयर करना भी ज़रूरी है, बराबर? तो कभी कभी कोई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो गर्ल्स होती है वो थोड़ी डरी हुई होती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो डर जाते हैं, तो शाम को उनको घर आ जाना चाहिए। और बॉयज़ का तो क्या है, वो तो मतलब ऐसे खेलते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बराबर? ज़्यादातर वो डरते नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। और अभी तो क्या है कि सब गर्ल्स बॉयज़ सबको इक्वल सब मानते हैं, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, बट ज़्यादातर मम्मीज़ है ना वो सबकी मम्मी अपने चाइल्ड के लिए थोड़े वरीड रहते हैं, ओके? तो इसलिए सब ज़्यादातर ऐसे सोचते हैं कि जो बॉयज़ है उनको ये करना चाहिए, गर्ल्स को ये करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अभी तो सब गर्ल्स भी सब कुछ कर सकती है, आपने देखा कि सब फील्ड में सब जगह पे गर्ल है, ओके? ऐसा कोई फील्ड बाकी नहीं है जहाँ पे गर्ल्स नहीं है। प्लेन उड़ाने तक समय से पेट्रोल पंप तक वो सब कुछ काम करती है, ओके? रेलवे इंजन चलाना सब कुछ एवरीथिंग, तो ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है।
मतलब पहले की थोड़े रूल्स है ना, इस वजह से सब लोग ऐसे फॉलो करते हैं। डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? आपके और आपके घर पे या तो आपके फ्रेंड्स के घर पे ऐसे होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, कई देखो, अभी तो कुछ घरों में तो ऐसा भी होता है कि गर्ल्स को कुछ स्टडी के लिए नहीं भेजते हैं, कि चलो अब लड़की बड़ी हो गई है। गांव में ऐसा ज़्यादा होता है, बट सिटी में आप लोगों ने ऐसा नहीं फील किया होगा, क्योंकि हम जो अभी सिटी में रह रहे हैं, और सिटी में तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ मतलब सब ऐसा नहीं मानते हैं। मतलब जो जिसको पढ़ाई करनी है, जहाँ तक करनी है, कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा ऐसा था। सम डिफ़िकल्टीज क्रिएट, बराबर, कुछ डिफ़िकल्टीज होती है सबको। कुछ ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं कि उनको ये फॉलो करना है, बराबर, कि सोसाइटी क्या कहेगी, उनकी लड़की तो शाम तक ऐसे घूम रही है। कोई ऐसे भी सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ सही हो। सब एक जैसे तो नहीं होते ना, फिर बॉय हो या तो गर्ल्स हो। इसीलिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो अभी हमारी गर्ल है, वो बड़ी हो गई है, तो उनको ज़्यादा देर तक बाहर ऐसे घूमना नहीं चाहिए, लोग क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा तो यही रहता है उनका। तो इसलिए कुछ जो रूल्स हैं वो ऐसे घरों में कुछ ऐसे मतलब माने जाते हैं। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, वुमन एंड मेन? क्या आप सोचते हैं कि ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग? मानते हैं? नो, नहीं होने चाहिए। रूल्स आर रूल्स, शुड नॉट बी डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन। देयर शुड बी सिमिलर रूल्स फॉर बॉथ, बिकॉज देखो, वुमन इज़ इक्वल टू मैन, है कि नहीं? अभी सब काम में बोथ आर द विल्स ऑफ द चैरियट ऑफ लाइफ, बराबर, मतलब उनकी लाइफ है तो वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। सो वी शुड डिस्कार्ड द ओल्ड बिलीव्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या सोचती है वो नहीं देखना है। सबको इक्वालिटी दो, अच्छे से स्ट्रांग बनाओ, ताकि वो सब कुछ वो अच्छे से मेंटेन कर सके, बराबर, वो भी समझ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर तो मैं मानती हूँ, तब तक आप जो सब है स्टूडेंट्स, उनके घरों पे तो ऐसे नहीं होता होगा। क्योंकि अभी बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं कि ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को नहीं, ये नहीं करना चाहिए। बाकी तो ऐसे कोई सोचते नहीं है, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, सब जगह पे सब लोग अपना अपना वर्क करते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि चलो नहीं, ये आपको नहीं करना है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वी डोंट थिंक सो कि सबके रूल्स अलग अलग हो, हम ये नहीं मानते हैं, राइट? चलो नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स हैड टू फॉलो ट्रेडिशनल रूल्स मेड फॉर बॉयज एंड बॉयज़ हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर गर्ल्स। सोचो, अगर जो गर्ल्स के लिए रूल्स हैं, अगर वो बॉयज़ को फॉलो करने पड़े, और बॉयज़ जो है उनको मतलब बॉयज़ को गर्ल्स के रूल्स फॉलो करने पड़े, और गर्ल्स को बॉयज़ के रूल फॉलो करने पड़े, तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। नो, कर सकते हैं? पहले तो वो कर ही नहीं सकते ना, उनको थोड़ा अलग लगेगा। पहले तो देखो, कुछ जो चीज़ें हैं ना, वो बॉयज़ को पसंद नहीं है, कि गर्ल्स को पहले बोलते थे कि बाहर नहीं जाना है, तो बॉयज़ को ये पसंद नहीं है। बट कुछ जो चीज़ें हैं वो चेंज होनी चाहिए। जैसे कि देखो, पहले क्या था कि जो खाना पकाना वो सब ज़्यादातर गर्ल्स को बनाना, मतलब वुमेन है उनको ही करना है, बट ऐसा नहीं है अभी। बड़ी बड़ी होटलों में आप देखते हैं जो शेफ़ है वो ज़्यादातर मेन है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सबको जो जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं,
हैव बीन फॉलोड सिंस टाइम इमोरल, मतलब कि जो टाइम टाइम पे हो रहा है सोसाइटी चेंज, मतलब चेंज होना चाहिए ना थोड़ा, तो ये जो पार्शियलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो अगर ऐसे कुछ कर दे तो पता लगेगा कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब कि जो बोल रहे हैं ना कि गर्ल्स को ये नहीं करना चाहिए, उनको कभी ऐसे बोलो कि आप ऐसा करो एक दिन के लिए, आप बॉयज़ का बॉयज़ है वो गर्ल्स का काम करे, गर्ल्स है वो बॉयज़ का काम करे, तो पता लगेगा कि जो दूसरों के लिए बोलना है वो इतना ईजी है। समझ में आया, सबको इक्वल राइट्स है। कहाँ पे लिखा है कि गर्ल्स को ये नहीं करना है, बॉयज़ को ये नहीं करना है? खाना पकाना बॉयज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? खाना खा सकते हैं, बना नहीं सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको सब आना चाहिए। इवन जो जो बॉयज़ है ना, मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ कि जो बॉयज़ है अगर उनको कोई सिस्टर नहीं है बराबर, तो वो अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। कभी भी काम में शर्माना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं ये तो लड़कियों का काम है, नहीं, आप भी अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं ना कि नहीं, राइट। चलो नेक्स्ट, मीना आंटी, चलो मिलते हैं मीना आंटी से। देखिए यहाँ पे कुल्फ़ी वाले हैं, सब बच्चों के पास बलून्स हैं, देखते हैं। वन डे मीना आंटी टुक पिंटू एंड पिंकी एंड देयर फ्रेंड्स टू बीच। देखो एक दिन मीना आंटी पिंटू और पिंकी और उनके फ्रेंड्स को बीच पे ले गए। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जायंट व्हील, बराबर। तो वहाँ पे उन्होंने खेला, फिर वो जायंट व्हील पे बैठे, तो उनको मतलब बीच पे तो सब ऐसे ही होता है, मज़ा आता है सबको। आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड बोट बलून्स, फिर उन्होंने भेलपूरी खाया और बलून्स लिए। देन एवरीबडी एन्जॉयड सम आइसी कॉल्ड कुल्फी, तो फिर सब ने कुल्फी खाई, मतलब कुल्फी ली। व्हेन कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक, देखो जब कुल्फी वाले ने पैसे मांगे तो फिर उसने एक मिस्टेक की, ही चार्ज्ड फॉर 5 कुल्फी इंस्टेड ऑफ 7, बराबर। देखो कि क्या गलती की उन्होंने, 5 कुल्फी थी तो उन्होंने 7, मतलब 7 काउंट किया ऐसे, तो चिल्ड्रन थॉट हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी, तो बच्चों ने बोला कि मतलब कि उन्होंने 7 काउंट की थी तो सब बच्चों ने 5 मतलब पैसे पैसे माना था, तो बच्चे खुश हो गए कि चलो हमें तो मतलब ऐसे 2 फ्री में ऐसे मिल गई, बट दैट इज़ नॉट गुड, अच्छी बात तो नहीं है ना, कि मतलब उनसे थोड़ी गलती हो गई। बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फी टू कुल्फी सेलर, पर मीना आंटी ने ये नहीं बोला, मतलब कुल्फी वाले से थोड़ी गलती हो गई कि 5 कुल्फी थी, मतलब 7 कुल्फी थी तो उसने सिर्फ 5 ही काउंट किए, बराबर थी कितनी 7, तो 5 मतलब गलती से हो गया, कभी कभी होता है ना। तो सब बच्चे तो खुश हो गए कि चलो अच्छा है कि हमने तो 7 कुल्फी ली और 5 के पैसे दिए, होता है ना, तो ऐसे नहीं। बट मीना आंटी ने उनको पूरे पैसे दिए। मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द चिल्ड्रन, तो देखो मीना आंटी ने जो किया वो सब बच्चों ने देखा, तो जो अच्छी चीज़ है तो वो सब बच्चों ने ऑब्जर्व किया। अगर उस दिन चाहती तो मीना आंटी भी ऐसे गलत कर सकते थे ना, बराबर। अगर उन्होंने ऐसे किया होता और कुल्फी वाले को ऐसे करते तो बच्चों के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाए तो हमें ऐसे करना है, नहीं। तो मीना आंटी ने जो अच्छा काम किया वो सब बच्चों ने देखा। तो हमेशा ये देखना है कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो ठीक से ऑब्जर्व करो, अच्छी चीज़ हो रही है तो उसे फॉलो करो, एक्सेप्ट करो, ओके। वरना क्या होता कि देखो आप यही सीखते कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे करना चाहिए, किसी को चीट करना चाहिए, किसी को चीट करना अच्छी बात है, नहीं। मान लो अगर ऐसे आपको ऐसे इंसिडेंट दिया जाए और कभी ऐसे कोई गलती से लेके चला जाए
पांच कुल्फी के पैसे लेके अगर वो जा सकते थे ना, जाना चाहे तो, फिर वो कुल्फी वाला रियलाइज़ करेगा कि शायद मुझसे गलती हो गई, तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचता? मीना आंटी के बारे में क्या सोचते वो, कि वो लेडी भी चीटर थी, राइट? चलो, री राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक बाई चेंजिंग इट्स एंड विथ योर इमेजिनेशन। चलो तो ये स्टोरी आप फिर से राइट करो और आप अपने इमेजिनेशन से स्टोरी को थोड़ा चेंज कर दो, ओके? मतलब आप थोड़ा चेंज करके उसे बोल सकते हैं ना कि कैसे कुछ अलग चीज़, मतलब जैसे यहाँ पे तो देखो एंड ऐसा था कि मीना आंटी ने तो पूरे पैसे दे दिए, बराबर? तो आप लोगों को ये चेंज करके स्टोरी राइट करनी है। कैसे चेंज करोगे कि देखो साहब ने कुल्फी ली, कुल्फी सेलर ने जब पैसे मांगे तो जब उसने मिस्टेक किया, अगर चलो ऐसे करो कि कुल्फी वाले ने 8 कुल्फी के पैसे ले लिए होते इंस्टीड ऑफ 7, वैसे तो 7 ही थे पर उसने मान लो कि 7 के पैसे लिए, तो फिर आप क्या करते? तो फिर आप ऐसे 8 कुल्फी के पैसे दे देते, राइट? तो फिर आप काउंट करके, नहीं 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 अंकल ये हम लोग तो 7 हैं, आपने 8 के पैसे लिए हैं, तो आप सीधा बोल देते ना। आपसे कुछ मतलब सामने वाले से कोई गलती होती तो हम सीधा ध्यान रखते हैं, बराबर? क्योंकि हमारा फायदा इसमें था इसलिए हम कुछ नहीं बोले। जब उसने 8 कुल्फी के पैसे अगर वो लेते तो हम सीधा बोल देते कि नहीं, राइट? तो हमेशा अच्छी चीज़ ध्यान रखनी है, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना है, ओके? चलो तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।